होली खुशियां लाता है, होली में मन बावरा हो जाता है। अगर आपने होली खेली हो तो कुछ ऐसे काम है जिनको भूल कर भी ना करें, वरना आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि होली खेलने के बाद सबसे ज्यादा किसी भी त्वचा को नुकसान पहुंचता है। रंगों में थोड़े या ज्यादा केमिकल्स तो आजकल जरूर मिल ही जाते हैं, जो कि त्वचा के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। ऐसे में सभी को यह ध्यान रखना जरूरी है कि होली खेलने के बाद ऐसा क्या न किया जाए ताकि त्वचा को पहुंचने वाले नुकसान से बचा जा सके। चलिए जानते हैं कि होली खेलने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही ये भी जानते हैं कि अगर उन कार्यों को आपने किया तो आपको क्या नुकसान पहुंच सकता है। जितनी जल्दी हो सके सादे पानी से रंग धो लें, हार्ड साबुन या स्क्रबिंग से बचें। ये आपकी त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। जिद्दी रंग को हटाने के लिए आप हल्के क्लींजर या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। होली खेलने के बाद आप अपने बालों की देखभाल करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को खूब पानी से धोएं और फिर किसी सौम्य शैम्पू से शैम्पू करें। यह तय करने के लिए कि सारा रंग धुल जाए और न रहे, शैम्पू से अपने सिर पर अच्छी तरह से मालिश करें। शैम्पू करने के बाद ये जरूरी है कि आप अपने बालों को अच्छी तरह से पोषण देने के लिए कंडीशनिंग करें। अपनी त्वचा को आराम देने और उसकी नमी को वापस लौटाने के लिए मॉइस्चराइजर या लोशन लगाएं। होली के बाद कुछ दिनों तक अपनी त्वचा को एक्सफोलिएट करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी त्वचा में जलन और क्षति हो सकती है। होली खेलने के बाद क्लीनअप और फेशियल कतई न करें, साथ ही रेटिनोल जैसे फॉर्मुलेशन का उपयोग तो कभी न करें। होली के बाद इन सारी सावधानियों को अपनाकर आप रंगों से त्वचा को होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। हालांकि इनमें से एक दो उपाय ऐसे हैं जिनको होली के कई दिनों के बाद तक करना पड़ेगा, लेकिन जब त्वचा की बात है तो दिन देखने की शायद जरूरत नहीं होगी। बहरहाल अब होली तो आपने जमकर मना ही लिया है, तो इन उपायों में अब लग जाएं और अपनी त्वचा को सेफ कर लें। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।